Assalam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Hello friends, welcome back to my channel Kousar Mom's Kitchen. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक खास रेसिपी. ये साउथ में मुस्लिम मैरिजों में और कोई फंक्शनों में खासकर बनाए जाने वाली दालचा की रेसिपी है. ये दालचा जो है स्पेशली बिरयानी के साथ साइड डिश के तौर पे खाया जाता है और साथ में घी राइस और ज़ीरा राइस के साथ भी खाते हैं. आप इसे प्लेन राइस के साथ या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हो गाइस. ये बहुत ही टेस्टी दालचा बनता है. हमने मुंबई स्टाइल दाल गोश्त का वीडियो भी डाला हुआ है. उससे दालचा थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस. उसमें हम गोश्त के साथ सिर्फ दूधिया ऐड करते हैं, लेकिन इस दालचा में हम हमारी पसंद की सब्जी ऐड कर सकते हैं. तो चलिए गाइस, दालचा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं. तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करें, बिगर फुल वॉच करिएगा. तो अब हम देख लेते हैं दालचा को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. हमने 100 ग्राम चना दाल और 100 ग्राम तुअर दाल को अच्छे से वॉश करके उसमें थोड़ी सी हल्दी और पानी ऐड करके 4 सीटी लगाकर दाल को हमने बॉईल कर लिया है. हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, 2 तेज़पत्ता, 3 हरी मिर्च और कटा हुआ हरा धनिया पुदीना हमने लिया है. अब मसालों में हमने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और हमने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर लिया है. हमने यहाँ पर जाड़ा नमक 1 टेबलस्पून लिया है. अब नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा. खड़े मसालों में हमने लिया है 2 दालचीनी के स्टिक, 5 लौंग और 3 हरी इलायची, 2 टेबलस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है. इसे बनाने के लिए ऑयल, आप इस दालचे को बनाते समय मटन को बोन वाला मटन लीजिएगा गाइस. बोन वाले मटन से दालचा जो बहुत ही टेस्टी बनेगा. हमने यहाँ पर 300 ग्राम मटन लिया है बोन वाला. वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पर 100 ग्राम दूधिये को कट कर कर लिया है. हमने 2 बैंगन को कट कर कर लिया है. हमने 1 बैंगन को इस तरह से 4 टुकड़ों में कट किया है. हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिया है. हमने 1 आलू के 4 टुकड़े इस तरह से कर लिया है. यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम सुरंग, साउथ में इसे कंदा बोलते हैं. आप इसमें सैगट की फली, कच्चा केला, कच्चा मैंगो भी ऐड कर सकते हो गाइस. यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ऐड नहीं कर रहे हैं. अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर ऐड करिएगा. तो चलिए अब हम दालचा बनाना शुरू करते हैं. हम सारे इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. हमने गैस का फ्लेम चालू करके उसमें कुकर रख दिया है. इसमें लेंगे हम मूंगफली का ऑयल. इस दालचे को बनाने के लिए हम मूंगफली के ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाइस. हमने 60 ml ऑयल ऐड किया है. मुंबई के दालचा में हम गाइस दूधिया और गरम मसाला पाउडर ऐड करते हैं. सॉरी गाइस, दाल गोश्त में. साउथ के दालचा में इसमें हम ढेर सारे वेजेस तो ऐड करते हैं, लेकिन गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करते हैं. बस इतना ही डिफरेंट होता है दोनों में. लेकिन ये साउथ का दालचा जो है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है. आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए. ट्राई करने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको साउथ का दालचा कैसा लगा. तो ऑयल गरम हो गया, अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर लिया है और 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर लेंगे. अब हम ऐड करेंगे 2 कटे हुए प्याज. अब हम प्याज को लाल होने तक फ्राई करेंगे. प्याज लाल हो गई, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है. साथ में इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च. अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल जाने तक अब हम फ्राई करेंगे. अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई है गाइस. अब हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे. मटन के साथ अब हम कटे हुए टमाटर भी ऐड कर लेंगे. थोड़ी सी हरा धनिया पुदीने की पत्ती भी ऐड कर लेंगे. साथ में अब हम मसाला और नमक भी ऐड कर लिया है. अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे. मसालों को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए, मसाले जो है ऑयल छोड़ने लगे हैं. अब हम इसमें सारी वेजीज ऐड कर लेंगे. अब हम वेजीज को मटन और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे. अब हम इसमें ऐड करेंगे 600 ml पानी. इसे मिक्स कर लेंगे. अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक इसे कुक करेंगे. गाइस, हम इंग्रेडिएंट्स बताते समय इंग्रेडिएंट्स के साथ इमली रखना भूल गए थे. यहाँ पर हमने एक बड़ा वाला लेमन साइज जितना एक इमली लिया है. इसे हम इस तरह से हल्का वॉश कर लेंगे.
इसके पानी को फेंक देंगे। हम वापस से थोड़ा पानी डालकर इमली को सोख करके रख देंगे। जब तक मटन और वेजेस कुक होते हैं तब तक हम इमली को पानी में ही भिगो कर रख देंगे। 3 सीटी आ गई है गाइस। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज होने तक हम वेट करेंगे। कुकर का प्रेशर जो है नेचुरली रिलीज हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लिया है। अब हम इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर देंगे। हमने इमली को जो भिगो कर रखा था उसे इस तरह से मैश करके उसका सारा पल्प निकाल लेंगे। अगर आप इमली नहीं ऐड करना चाहते हो गाइस तो आप 50 ml दही और 1 नींबू का रस ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इसका असली टेस्ट जो है वो इमली से ही आएगा। और इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट ढक देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। हमने थोड़ा सी ढक्कन खुला रखा है। हमने इसमें दाल ऐड किया है गाइस, तो हम इसे बीच बीच में थोड़ा सी मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो दाल जो है वो नीचे से जल जाएगी, फिर दाल का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो बीच बीच में हमें इसे मिक्स करते रहना है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। माशाल्लाह दालचे में से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं आपको टेस्ट कर बताती हूँ हमारा दालचा कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना है हमारा दालचा। हमारे कहने पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइस। 100% गारंटी है मेरी कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इस दालचे को हम जीरा राइस के साथ सर्व करने वाले हैं गाइस। यहाँ पर हमारा ज़ीरा राइस बन रहा है। हमारे चैनल पर हमने साउथ की बिरयानी और घी राइस की रेसिपी डाला हुआ है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हो गाइस। और बहुत ही जल्दी आपको हमारी ज़ीरा राइस की वीडियो की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। हमारा टेस्टी मटन दालचा एकदम रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम टेस्टी दालचा को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस, हमारा साउथ इंडियन स्टाइल मटन दालचा हमने सर्व कर लिया है। आई एम श्योर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।